Even the way, I think a lot of, you know, I wanted to speak about Arijit said by the way he अरे is. वाह कमाल, वो बिल्कुल जो उसकी आवाज में जो बात है ना, वो जो पोइट्री में जो होता है, जो मेलोडी में होता है ना, उसको उसकी समझ है बिल्कुल है, वो इसीलिए उसकी आवाज जस्टिफाई करती है हर गाने के साथ. करेगा उसमें उसकी आवाज में एक इमोशन है जो लोगों तक पहुंचता, अपील करता है. जी हमारे लिए तो काफी गाने गाए हैं बिल्कुल बिल्कुल, और हर गाना जो है लोगों को पसंद आया है. जी उसकी आवाज, तुम्हारा म्यूजिक, जी मेरी पोएट्री, तमाम चीजें, फिर डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता वो. इनफैक्ट अपने डायरेक्टर का मेंशन किया सर भाई, तो आई वुड लाइक टू से पीपल शुड नो स्पीकिंग अबाउट चल घर चले कि मोहित वाज वेरी वेरी वाज वेरी कीन सर, वो चाह रहे थे कि अरिजीत सिंग्स द सॉन्ग एंड नॉट फॉर एनी एक्सटर्नल रीजन, क्योंकि सर भाई वो ऐसे एक ऐसी आवाज को या एक ऐसे एक्सप्रेशन को लाना चाह रहे थे जिसने एक सफर तय किया हो सर भाई, तो उसको घर जाने का जो घर जाने की जो अहमियत है वो जानता हो सर भाई. और अरिजीत का जो सफर रहा है, जिसने जिस तरीके से मेहनत की है और उसका सर भाई इतना बड़ा सफर जो रहा है. देखो भाई, ये जितने मौसम जिंदगी के जितने मौसम है ना, उनकी धूप छांव देखी है ना. करेक्ट. क्या वही अपने काम में उन मौसमों को ला सकता है जी, उनको समझ सकता है जी, उसकी शिद्दत को समझ सकता है जी, है ना. और जो भी शख्स इस इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जद्दोजहद और मेहनत के साथ आया है ना, वो हमेशा उस एक अरसे तक रुकता है, दिखता है उसके काम में, वो नजर आता है, कशिश होती है, कशिश होती है ना. हर शख्स को लगता है कि मेरी कहानी है. करेक्ट. यही बात है उसकी आवाज में वो बात है. यस. चल घर चले मेरे.